पश्चिम बंगाल से बसीरहाट से जो सांसद नुसरत जहां का एक ऐसा बयान आया है जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि टीएमसी के अंदर कितना डर है। पश्चिम बंगाल की सांसद नुसरत जहां जो एक्ट्रेस भी हैं, कल उनका एक बयान आया कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो भाजपा कोरोना से भी खतरनाक है और मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में मैं मांग करता हूं कि ऐसे सांसद को तुरंत ही गिरफ्तार करना चाहिए। ये इस प्रकार से कैसे बातें कर सकती है और किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ ऐसी बातें करना कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये उनके डर को दर्शा रहा है। इनको पता है कि अब ममता के हाथ से सत्ता निकलती जा रही है। ममता अब ये जो वेस्ट बंगाल में इतनी जो अराजकता की स्थिति फैला रखी है, अब उनको सत्ता दूर दिखती जा रही है, इसीलिए ऐसे उठपटांग बयानबाजी अपने सांसदों से और खुद कर रही हैं। जो जो बयानबाजी इनका जो आया है, इस प्रकार का बयान अत्यंत ही घोर आपत्तिजनक है और इस बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये ऐसी बातें कह करके जो उन्होंने एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो काम किया है, इससे देश के अंदर और समाज के अंदर एक वैमनस्य की भावना पैदा होगी। कहीं ना कहीं जो खलबली मची हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर, टीएमसी सांसदों, टीएमसी के नेताओं का भागने का जो दौर चल रहा है, टीएमसी के नेता जो भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार ममता का साथ छोड़ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि डर किस कदर तक बैठ गया है इनके अंदर में। ये लग रहा है इन्हें कि इनके हाथों से सत्ता निकल जाएगी और जब सत्ता हाथों से निकलेगी तो इनकी जो ये जो परेशानियाँ हैं, इनकी जो बदमाशियाँ हैं, वो सब कुछ सामने आएगा। और इसी क्रम में अब ये लोग गलत बयानबाजी पे उतर गए हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं। किसी की भी तुलना कोरोना जैसी बीमारी से करना और मुसलमानों के बीच में डर पैदा करना, इनको ये समझना चाहिए कि भाजपा हो, भाजपा हमेशा से सभी धर्म को लेकर के चलती है। आप देख सकते हैं कि भाजपा के अंदर ही जिस जिस राज्य में सत्ता है वहाँ पर कोई भी दंगा फसाद नहीं होता है, और ये केवल इनकी बदमाशियाँ हैं जो ये अपने वोटरों में डर पैदा कर रहे हैं। जो जो बंगाल के जो वोटर हैं उनके अंदर ये डर पैदा कर रहे हैं कि बंगाल में अगर सत्ता में भाजपा आती है तो मुसलमानों के लिए घातक होगा, मुसलमानों के लिए दिक्कत होगा। ये लेकिन इनको ये समझना चाहिए नुसरत जहां को कि ऐसी कट्टरपंथी वाली बातें करके उन्होंने अपना जो एक इमेज बना था, दुर्गा पूजा में उन्होंने पूजा किया था, उसको पूरी ही धूमिल कर चुकी है। नुसरत जहां हो या कोई भी सांसद हो या कोई भी नेता हो, वो हिंदू मुसलमानों की बातें करना बंद कर दें और बंगाल की जनता, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और वेस्ट बंगाल में इस बार भाजपा सत्ता में आएगी। ये लहर चल रही है और ये लहर कुछ दिनों के बाद, चुनाव के बाद पूरी दुनिया के सामने होगा कि बंगाल की जनता ने जो चुना है और ममता को गद्दी से उखाड़ के फेंक दिया है।